नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आपके एग्री हब से। हम पढ़ रहे थे वर्ण, और वर्णों में हमने पढ़ा अलप्राण, महाप्राण, ठीक है, घोष, अघोष, और हमने उच्चारण, वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ा। तो ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं, सारणी बना करके समझा दी गई हैं। अब हम इन्हीं बातों को हम थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं वर्ण, ठीक है, आगे हमने जो पढ़ना है। चलिए, वर्ण क्या होते हैं ये बता चुके हैं, आगे पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर वर्णों के भेद, ठीक है। प्रयत्न के आधार पर हम क्या करेंगे, वर्णों के भेद कितने हैं उसी के संबंध में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख विवर्त में कहाँ रुकती है, कहाँ रगड़ खाती है और कहाँ नाक से निकलती है, स्वर तंत्रियां, जीवा और ओष्ठ किस प्रकार प्रयत्न करते हैं, ठीक है। और इस आधार पर व्यंजनों का विभाजन इस प्रकार है, देखिए कौन कौन से हैं। के स्वर तंत्री में श्वास कंपन के आधार पर घोष अघोष, अघोष सघोष, ठीक है। घोष कौन से हैं, ठीक है, अघोष कौन से हैं, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने एक सूत्र के द्वारा भी इसके संबंध में बताया था, एक सूत्र भी लिखा था, तेज स्वर में घोष करो तीन चार पांच का अंत है, तेज स्वर में घोष करो तीन चार पांच का अंत है। ये सूत्र हमने पूरी तरह से आपको समझाया था पिछली वीडियो में, अगर इसको समझना है तो आप पिछली वीडियो को देखें, ठीक है, और इस सूत्र का पूरा हल आपको मिल जाएगा। लेकिन हम आज यहाँ जो चर्चा करेंगे वो हम सिर्फ इसको थ्योरी रूप में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम सब कुछ समझा चुके हैं आप सभी को, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे हम, ठीक है। मानव गले में दो झिल्लियां होती हैं जो वायु के वेग से काम कर बजने लगती हैं, इन्हें स्वर तंत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर तंत्री कहते हैं, ठीक है। स्वर तंत्री में होने वाले नाद कंपन के आधार पर व्यंजनों के सघोष अघोष दो भेद किए जाते हैं, ठीक है, दो भेद किए जाते हैं। सघोष, जैसे कि मैंने आपको बताया था सूत्र अभी आगे भी बताया, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु गले से निकलने पर स्वर तंत्री में कंपन पैदा करती है, उन ध्वनियों को क्या कहते हैं, घोष या क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है, क्या प्रश्न ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से सघोष वर्ण है और कौन से अघोष वर्ण है, मुख्य रूप से ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। सारणी बनाकर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कौन से सघोष वर्ण है, ठीक है, और कौन से अघोष वर्ण है, ठीक है, इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये घोष, ठीक है, एक ही बात है, इसमें सह उपसर्ग लगा दिया गया है, ठीक है। और बताया क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु गले से निकलने पर स्वर तंत्री में क्या पैदा करती है, कंपन पैदा करती है, उन ध्वनियों को क्या कहते हैं, घोष या क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अपने। अघोष वर्ण क्या चीज होती है, अघोष वर्ण पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अघोष वर्ण में स्वर तंत्रियां जो होती हैं वो परस्पर नहीं मिलती है, फलतः वायु आसानी से क्या है, निकल जाती है, उन्हें क्या कहती हैं, अघोष वर्ण कहती है। क्या कहते हैं उनको, अघोष वर्ण कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अपने, ठीक है। इस वर्ग में क्या होता है, इस वर्ग में वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण, ठीक है, और तीन श श श आते हैं, श और स, ठीक है, तीनों ही आते हैं। हमने इनके बारे में, सभी के बारे में पढ़ा हुआ, उच्चारण स्थान भी पढ़ा हुआ है हमने, अलग प्राण भी पढ़ा हमने, ठीक है, उच्चारण स्थान भी हमने पढ़ा हुआ, वही चीजें दोबारा हो रही है, जो समझी हुई बातें हैं वो हम दोबारा करवा रहे हैं आपको बस थ्योरी रूप में, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। सघोष व अघोष वर्णों को याद करना, ठीक है, करने का जो सूत्र मैंने बताया था क्या था, ये सूत्र ये था, तेज स्वर में घोष करो तीन चार पांच का अंत है, ये सूत्र था,
ठीक है। तो मैंने अगर तेज स्वर में घोष करो, तीन चार पांच का अंत है, यानी कि तेज स्वर में घोष करो, ये बताया हमें, पहले समझा चुका हूँ, फिर दोबारा थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो देखो इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या बताया गया, सहघोष व अघोष स्वरों को याद करने का सूत्र बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें यही चीज बतानी है मैंने, ठीक है, सूत्र बताना मैंने, ठीक है, और जो कि पहले मैं समझा चुका हूँ, मतलब तेज घोष स्वरण कौन से होते हैं, घोष स्वरण की हम बात करें तो वर्ण का तीसरा चौथा और पांचवा होता है, ठीक है, और जो सारे अंतस्थ हो गए, ठीक है, वो घोष स्वरण में आते हैं, और एक ये क्या हो गया है, हो गया, और बाकी सारे लगभग क्या होती है, अघोष वर्ण होते हैं। ये चर्चा हम कर चुके हैं, पहले बता चुके हैं, चलिए दोबारा मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए अघोष वर्ण के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, ठीक है, अघोष वर्ण में सुनिए, पहला वर्ग का क्या, पहला और दूसरा व्यंजन और तथा क्ष और स, ठीक है, और स, ठीक है, फिर उसके बाद में कौन कौन सी है, क, ख, च, श और ट, ठ और ट, ठ, फ, स, ठीक है, ये घोष वर्ण है, ठीक है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं, ठीक है, कौन से है सघोष, कौन से है सघोष, मैंने पहले बताया तीन चार पांच का अंत करो, तेज स्वर में घोष करो, तीन चार पांच का अंत है, ये देखो तीसरा आ गया, ठीक है, सघोष में चौथा आ गया, वर्ण का चौथा वर्ण, ठीक है, पांचवा आ गया, पांचवा व्यंजन आ गया, और ये रे ले वे और ये किस में आते हैं, किस में आएंगे, सघोष में आएंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला जो हम करेंगे कौन कौन से, देखो ये देखो इसमें सघोष में यानी गैर और, ठीक है, और उन्या, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, फिर ये देखिए टे डे ण टे थे डे ने, ठीक है, और फे फे, ठीक, भे भे मे, मतलब वर्ग का कौन सा है, तीसरा चौथा, यानी कि तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है, तेज स्वर में घोष करो, तीन चार पांच का अंत है, तीन चार पांच, ये वर्ग का कौन सा है, तीसरा चौथा वर्ण है, या हम कहें व्यंजन, ठीक है। तो ये सारणी में बता चुके हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये इसको हम कहां तक करेंगे, मैं तक करेंगे, समझाया हुआ है, ये चौथा आ गया, ठीक है, और ये कौन सा आ गया, वर्ग का पांचवा क्या आ गया, ये पांचवा व्यंजन आ गया, ठीक है, वर्ण आ गया, ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक, अपने अपने वर्ग के लिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, अपने आगे और पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, चलिए अब देखो प्राण तत्व की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्णों के, प्राण तत्व की मात्रा के आधार पर, ठीक है, कई ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए फेफड़ों अधिक वायु की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और कुछ ऐसे भी होती हैं जिनके लिए कम वायु की जरूरत पड़ती है, तो इसी आधार पर क्या है कि अलप्राण और महाप्राण दो भेद किए गए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्राण तत्व की, प्राण तत्व ये यहाँ पे एक त्यौहार, प्राण तत्व की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्णों के क्या भेद, ठीक है, व्यंजन वर्णों के भेद, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम करते हैं, इसमें कौन कौन से, एक तो अलप्राण है, एक कौन सा महाप्राण, जैसा कि हमने बताया आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसकी सारणी बना करके मैंने बताया था, अलप महा अलप महा अलप महा, इस तरह से मैंने आपको बताया था, वो ही तरीका रखें इसको याद करने का, सारणी बना करके, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे, तो जिन व्यंजन अलप्राण, देखो जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, अलप्राण कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, कहते हैं जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें अलप्राण ध्वनि कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब देखो वर्गों के, वर्गों का कौन सा, प्रथम, ठीक है, प्रथम आ गया, और अलप्राण की बात करें तृतीय आ गया, ठीक है, और कौन सा आ गया, पांचवा वर्ण आ गया, जैसे हम बात करें एक है, ठीक है, दो तीन चार और पांच, तो हम कहां से शुरू करेंगे, अलप महा अलप, ठीक है, महा, ठीक है, फिर क्या करेंगे, अलग करेंगे, यानी कि इसी तरह से आप सारणी बना लेंगे, पूरे वर्ण लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद में सारणी जो समझाई उसी प्रकार से आप कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद में क्या है, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें अलप्राण कहते हैं, कौन कौन सी है, वर्गों का कौन सा, प्रथम आ गया, ठीक है, प्रथम वर्ण आ गया, तृतीय वर्ण आ गया, और कौन सा आ गया, पांचवा वर्ण,
ठीक है, ये कौन से होते हैं, ये अलग प्राण होते हैं, ठीक है, ये रह लेवे, ठीक है, सभी स्वर आ गई, ठीक है, और अनुस्वार है, ठीक है, अनुस्वार, ठीक है, और अनुस्वार होगी, ये भी किसमें आती है, अलग प्राण में आती है, सारा तरीका बताया हुआ, अंतस्थ है, ये भी किसमें आती है, अलग प्राण में आती है, कुल संख्या ये देख ही रहे आप, 11, 15, 1, 4, ठीक है, 31, ठीक है, अलग विसर्ग और उसको जोड़ते हैं, विसर्ग को भी साथ काउंट करके और लाल प्राण महाप्राण में और अनुस्वार को, तब होते हैं ये, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, अपने आगे करते हैं, महाप्राण ध्वनियों, अब महाप्राण ध्वनियां कौन सी होती है, देखो अभी मैंने बताया था, एक बार और भी पढ़ लीजिए, महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है, ठीक है, और जिसके कारण हकार जैसी क्या आती है ध्वनि स्पष्ट दिखती है, उन्हें क्या कहते हैं बताइए, महाप्राण कहा जाता है। इसके अंतर्गत सभी वर्गों के द्वितीय चतुर्थ व्यंजन आते हैं, ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अपने, ठीक है। अब देखिए उसके बाद विसर्ग, विसर्ग और उष्ण व्यंजन आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, और कुल संख्या जो है 15 है इनकी, ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अपने। जीवा या अन्य अवयवों द्वारा श्वास अवरोध के आधार पर वर्णों के भेद की हम चर्चा करेंगे, इसमें देखो कौन कौन से हैं, अभी देखिए पहले तो कौन सा है, स्पर्श, ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में करते समय उच्चारण अवयव परस्पर स्पर्श कर जाते हैं, वे व्यंजन क्या कहलाती है, स्पर्शी कहलाती है, कौन से कहलाते हैं, स्पर्शी। इसमें देखो कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, देखिए कौन कौन से थे, मैंने जैसे इसमें देखो करेंगे आप क ख ग और घ, च वाला छोड़ देंगे, ट ठ ड और ढ, ठीक है, क च ट ठ द ध, ठीक है, फिर कौन सा आ जाएगा, प ठ ब और भ, ठीक है, अभी होंगे देखो कितने, 4, 4, 8, 4, 12 और 4 चुके, कितने हो गए, 16, ठीक है, तो ये स्पर्शी हैं, ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय उच्चारण अवयव क्या होते हैं, परस्पर स्पर्श कर जाते हैं, वे व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्पर्शी कहलाते हैं, ठीक है। चलिए कौन कौन से हैं, मैंने आपको बता दिए ये कौन कौन से हैं, चलिए आगे की ओर हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलिए ठीक है। अगला जो है देख रहे हैं आप, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श 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 संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख अवयव से स्पर्श करती है और फिर कुछ घर्षण के साथ निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी कहते हैं। जैसे ये जो व्यंजन है ये किसके अंदर आते हैं, स्पर्श संघर्षी के अंदर अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जैसे च च च और ज, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अपने, चलते हैं आगे। संघर्षी, कभी कभी व्यंजनों के उच्चारण के समय दो उच्चारण अवयव इतने पास आ जाते हैं कि उनके बीच का मार्ग क्या हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, तब वायु उनके संघर्ष करती हुई क्या करती है, निकलती है, तो उनको क्या कहते हैं बताइए, संघर्ष कहते हैं। जैसे ये जो वर्ण है, ठीक है, ये जो व्यंजन है ये, ठीक है, ये है इसमें, ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अपने। नासिकीय, यानी कि इसमें आपको बता दें वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, नासिकीय कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ध्वनि है वो कहां से निकलती है, नाक से निकलती है, ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नासिकीय कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करें तो पहले वर्ग का ये देखिए, ठीक है, फिर ये, ठीक है, फिर ये और ये, ठीक है, ये किसमें आते हैं, नासिकीय में आते हैं, एक इसमें, ठीक है, एक ये भी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए इनको क्या कहा जाता है, पंचम वर्ण भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनको पंचम वर्ण भी कहा जाता है।
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु पूरी तरह से देखो क्या आता है, मुख से नहीं निकल करके कहां से निकलती है, नाक से निकलती है, वे नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले बता चुके हैं इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से, आगे की ओर बढ़ते हैं अपने। ठीक है, अब होता है उत्क्षिप्त और ताड़न जात, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ होता है फेंका हुआ। ठीक है, और इसमें कौन कौन से है देखिए, उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंका हुआ, इसमें कौन कौन से है देखो, सीधे डायरेक्ट पर्सन, ये यहाँ पे बिंदी जो लगी है यहाँ नहीं आएगी, ये बिंदी आएगी यहाँ पे, ये यहाँ नहीं आएगी, ये यहाँ आएगी। ठीक है, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग मूर्धा को स्पर्श करते, ठीक है, एक झटके में वापस आता है, उन्हें क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये सीधा सीधा प्रश्न आता है, इसमें ज्यादा उलझाव नहीं है, ऐसे प्रश्न सीधे आते हैं, उलझाव नहीं आता होता इसके अंदर। ठीक है, सीधे पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा उत्क्षिप्त है, ताड़न जात कौन सा है, सीधा प्रश्न आता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जीवा जो हमारी होती है कुछ यूं करके मुख का जो ऊपरी जो भाग है उसमें टेढ़ी हो जाती है, और ऊपर वाले भाग को स्पर्श करके सीधा ऐसे आती है, एकदम झटके के साथ में आती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं बताइए, उत्क्षिप्त कहलाते हैं। क्या कहते हैं इनको, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं, ये ड और ढ आ गया। ठीक है, चलिए आगे की हम बात करते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे अपने। ठीक है, चलते हैं। लुंठित, सीधा सीधा प्रश्न पूछा हुआ है परीक्षा में, लुंठित और प्रकंपित व्यंजन कौन से, सीधा सीधा प्रश्न आया हुआ है परीक्षा के अंदर, कोई घुमाव नहीं, कोई फिराव नहीं। ठीक है, लुंठित का अर्थ क्या होता है, कांपता हुआ। जब हम, अब कौन सा है वो ये र है। ठीक है, और आप भी महसूस करेंगे जब र का उच्चारण करेंगे तो हमारे जो जीवा है उसका जो आगे का भाग है वो कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, बड़ी जल्दी होता है, ये शीघ्रता से होता है। ठीक है ना, तो आगे की ओर हम बढ़ेंगे। लुंठित और प्रकंपित, लुंठित का अर्थ क्या होता है, कांपता हुआ होता है। क्या होता है, अगर मान लो यही प्रश्न आ जाए कांपता हुआ अर्थ, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसको कहते हैं, लुंठित का अर्थ क्या होता है, कांपता हुआ कहते हैं। जिस व्यंजन के उच्चारण में जीवा की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती रहती है उसे क्या कहते हैं, प्रकंपित कहते हैं, और प्रकंपित क्या है, व्यंजन है। समझे बात को, चलिए सीधा सीधा प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट काफी। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, ईषत् स्पर्श, ईषत् स्पर्श अर्ध स्वर अंतस्थ भी कहते हैं इनको। ठीक है, ये क्या होती है कि इनकी गणना देखो, चलो पढ़ते हैं इसको। मुंह के क्रम से जीव तालु होठों का स्पर्श क्या होता है, क्षणिक होता है। ठीक है, क्षणिक होता है, कम होता है, अर्थात कहने का तात्पर्य इनके उच्चारण में श्वास वायु को रोकने के लिए उच्चारण अवयव प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन वो प्रयत्न क्या होता है, लेकिन प्रयत्न व्यंजन की तरह पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, और ये दवनिया अवरोध रहित उच्चरित होती हैं, इनको ईषत् ईषत् स्पर्श और अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। अब कैसे बताओ, जब व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि जब इसका उच्चारण करेंगे तो फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु वो रुकावट के साथ बाहर आएगी, लेकिन इसमें क्या होता है, रुकावट होती तो है लेकिन वो क्या होती है, नाम मात्र की होती है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ईषत् स्पर्श, ठीक है, अर्धस्वर और ठीक है अर्धस्वर व्यंजन के, ध्यान रखना इसके बारे में कौन कौन से हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाने वाला परीक्षा में है ये, ईषत् स्पर्श अर्धस्वर और अंतस्थ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसके संबंध में आप। ठीक है, चलिए मुंह में होने वाले अवरोध को लेकर स्वरों एवं व्यंजनों के बीच स्थित होने के कारण इन्हें यह वे और इन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ भी कहा जाता है। कौन कौन से हैं ये ध्यान रखने ना। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ भी कहलाते हैं, इनको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न में उलझाव नहीं है, सीधा सीधा डायरेक्ट प्रश्न ये पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि मैंने बताए इसी हिसाब से पूछे जाएंगे। चलिए आगे क्यों बढ़ेंगे अपने। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद हम बात करते हैं पार्श्विक, पार्श्विक। ठीक है, पार्श्विक का अर्थ है बगल का, बगल का।
यानी कि अतः जिस ध्वनियों के उच्चारण में सांस जो है जीवा के दोनों पार्श्वों से निकलती है वह पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। और इसमें कौन सी पार्श्विक ध्वनि? ये लय। याद रखना ये सीधा डायरेक्ट प्रश्न आने वाला है ये, ठीक है, पार्श्विक, ठीक है, व्यंजन कौन सा है सीधा पूछा जाता है ये, ठीक है, तो ध्यान रखिए वर्ण कौन सा है सीधा आता है। अयो गवाय ध्वनि है जिनके बारे में बहुत चर्चा कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं बताऊंगा अयो गवाय ध्वनियां कौन सी होती है। अनुस्वार किसी शब्द के ऊपर इस प्रकार लगती है और मिश्र जो ये दो बिंदियां, ठीक है, ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें न स्वरों में रखा जा सकता है और न व्यंजनों में रखा जा सकता है। इनकी स्थिति स्वरों और व्यंजनों के बीच की होती है, ध्यान रखना, ऐसा ही प्रश्न आता है ये, ठीक है। ज्यादातर तो प्रश्न ये ऐसे पूछा जाता है कि अयोगवाय ध्वनियां कौन सी है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है, कोई घुमाव फराव नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, अपने चलते हैं। इन ध्वनियों को ए के साथ संयुक्त करके इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण ए आदि किसी स्वर के बिना नहीं हो सकता है। चलिए आगे की ओर पढ़ेंगे, सुंतक्षर के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी प्रश्न डायरेक्ट सीधा सीधा प्रश्न पड़ता है, ठीक है, तो इनको हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, सीधे सीधे प्रश्न आए हुए परीक्षा में, ठीक है। तो देखो सुंतक्षर देवनागरी लिपि में सुंतक्षर है, अर्थात दो दो ठीक व्यंजनों को लिखने के लिए अलग से क्या लिपि चिन्ह, ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, ठीक है, इनके लिए लिपि चिन्ह निर्धारित है। जैसे हम बात करें कौन कौन से है, जैसे क, क और श, और इसमें क्या निकला हुआ है, तो ये क्या बना, क्या बना, ये क्षय, क्षय, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये किससे मिलकर के, कै और क्षय से मिलकर बना हुआ, कै और क्षय से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। दो नंबर त र, यानी कि त और प्लस में हम बात करें र, फिर हम बात करें ए मिला हुआ है और त्र, ठीक है, ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा हुआ है, सीधे सीधे प्रश्न पूछे हुए हैं। ये ऐसे भी आ सकता है, देखो त ऐसे लिखा भी आ सकता है और र ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है लिखा हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रह के अंदर क्या कर दिया, यहाँ मिला करके लिख दिया, ऐसे भी आता है। इसी तरह से इसमें भी होता है, यानी कि कै कै, ठीक है, और स्वर आ गया ये और ये सा इसके अंदर ए मिल जाएगा, ठीक है, तो क्षय इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने आगे बढ़ेंगे, यानी कि इसमें देखिए आगे और भी जो है, यानी कि ज, ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस ए क्या मिला हुआ, ए मिला है, क्या बना है, गे बना, गे, ठीक है, फिर इसी तरह से श और ये प्लस में क्या, रे और प्लस में ए, यानी कि तीनों के मिलने से बना हुआ है श, फिर इसी तरह से दे ये और क्या मिला है, ए मिला है, क्या बन गया, दे बन गया, ठीक है। इस तरह से ये इसमें से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, एक आधा प्रश्न जरूर आया, तीनों में से एक आधा प्रश्न जरूर आया था इन पांचों में से, तो ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सा वर्ण सुप्त अक्षर जो है वो किसके मिलने से बने हुए, तो इनको हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पूछे जाते हैं ये परीक्षा में, ठीक है, तो इनका हमें क्या करना है, पूरी तरह से ध्यान रखना है किसके मिलने से ये बने हुए हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी कि चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, विसर्ग, विसर्ग देखो, विसर्ग यानी कि उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण एघोष व्यंजन है की तरह है, जैसे स्वतः, स्वतः यानी कि ये देखो ऐसे स्वतः, पुनः का क्या हो गया पुनः, यानी कि ये है कि इतने होता है, ठीक है, द्वारा सुने विसर्ग का उच्चारण अघोष व्यंजन है कि तरह होता है कि तरह होता है, जैसे स्व यानी ये विसर्ग लगा हुआ है जिसको क्या बोलेंगे, स्वतः, ठीक है, पुनः, पुनः लिखा हुआ है जिसको कैसे बोलेंगे, पुनः, ठीक है, इसकी क्या लगाएंगे, है का है उच्चारण करेंगे इसको, ठीक है ना, तो स्वतः है, स्वतः यानी विसर्ग लगी है तो उसको कैसे बोलेंगे, स्वतः है, ठीक है, पुनः इसमें विसर्ग लगी है तो उसको कैसे बोलेंगे, पुनः बोलेंगे, ठीक है। तो देखो विसर्ग का प्रयोग उन्हीं शब्दों के साथ होता है जो हिंदी से क्या आए हैं, हिंदी में संस्कृत के तत्सम रूप में गृहित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, जैसे मन है, मन स्थिति, ठीक है, अतः अतः प्राय, ठीक है, विसर्ग का संधि रूपों में विशेष, विशेष महत्व है, ठीक है, सब थोड़े गलत लिखे हुए हैं, मैं सही कर देता हूं, विशेष महत्व, ठीक है, इस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखें। चलिए विसर्ग का संधि रूपों में विशेष और
रूप में विशेष महत्व है। देखिए चलिए आगे की ओर हम पढ़ेंगे, बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब देखो व्यंजन गुच्छ की हम बात कर रहे हैं, व्यंजन गुच्छ की हम बात करेंगे, क्या है व्यंजन गुच्छ इसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे व्यंजन गुच्छ की हम बात करते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ झटके में बोले जाते हैं तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहते हैं, व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। चलिए देखते हैं आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे स्ना, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये है देखो यहाँ स्न को एक साथ श्वास में बोला जाता है तो स्नेह व्यंजन गुच्छ है। अगर ऐसी स्थिति किसी शब्द में मिलती है तो वो क्या कहलाएगा बताइए, व्यंजन गुच्छ कहलाएगा, ये ध्यान रख लेना। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा हुआ है परीक्षा में, ठीक है, द्विविधम दे देता है, व्यंजन गुच्छ दे देता है, तीन शब्द क्या करेगा वो दे देगा व्यंजन गुच्छ के दे देगा और एक शब्द किसका दे देगा, द्विविधम का दे देगा, ठीक है। तो उसमें पूछ लेगा निम्न में से कौन सा भिन्न है, तो इस बात का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे अपने, ठीक है। जैसे हम बात करें इसमें ये हो गया अंत के अंदर, देखो अंत शब्द लिखा हुआ इसमें ने और तय, यहाँ ये इसमें हलत नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है, ये ने और तय मिलकर के बना हुआ है। देखो ये जो स्थिति है ये क्या है, किसकी स्थिति है, व्यंजन गुच्छ की है, ठीक है। यहाँ हम बात करें तो ये जो स्थिति है ये किसकी है बताइए, तय और तय, ठीक है, ये किसकी स्थिति है, व्यंजन गुच्छ की स्थिति है। ये देखो यहाँ पे ये जो हम बात करें तो ये जो स्थिति है ये किसकी है, व्यंजन गुच्छ की है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना व्यंजन गुच्छ कौन से हैं, ठीक है, तो इसमें ये जो स्थिति जो मैंने बताई है आपको ये व्यंजन गुच्छ की स्थिति है, ये व्यंजन गुच्छ की स्थिति है। किसी भी शब्द में जब ऐसा आता है तो पढ़ेंगे द्विविधम पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि देखिए दो समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयुक्त होना क्या कहलाता है, द्विविधम कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं बात कर लू, देखिए जैसे हम एक शब्द लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमने लिखा दृश्य, ठीक है, तो इसमें क्या है कि दो ये साथ साथ प्रयुक्त हुए तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, द्विविधम कहा जाता है। दो समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयुक्त होना क्या कहलाता है, द्विविधम कहलाता है। यानी कि ये जो स्थिति है ये क्या कहलाएगी, द्विविधम द्विविधम कहलाएगी, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं अपने। जैसे उत्तर, जैसे मैं उदाहरण तौर पर बात करें तो ये थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है, ये इसकी हम इस तरह से लिखेंगे, ये जो स्थिति क्या है, द्विविधम है, ठीक है। फिर हम बात करें ये ऐसे, ठीक है, ये स्थिति क्या है, द्विविधम है। जैसे ये हो गया सज्जा है, ठीक है, उद्देश्य है, ठीक है। इसकी हम बात करें उत्तेजना, ये नहीं है, उत्तेजना हो गया। दो तय मतलब ये तय दो तय किस स्थिति में ही, इसको क्या बोलेंगे, द्विविधम कहेंगे आदि। अगर किसी भी शब्द में इस तरह की स्थिति आती है, इस तरह की स्थिति आती है तो वो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाता है, द्विविधम कहलाता है, ठीक है। तो आपने समझा, ठीक है, वर्णों के बारे में समझा, ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, और बाकी हम अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे संधि उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।